गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग, कमेंट सेक्शन में टाइप करो, एम आई ऑडिबल? अच्छा आफ्टरनून हो गया, हाँ 12 बज गए भाई. सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ आवर मेंटरिंग प्रोग्राम. जैसे आप यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तो यू हैव स्टार्टेड विद, यू मे हैव स्टार्टेड विद अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज, यू मे हैव स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, यू मे हैव स्टार्टेड डूइंग सो मेनी थिंग्स, टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल. सो वी हैव फॉर्मुलेटेड अ सेपरेट मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर दिस पर्पज, सो दैट आपका जो है, जो डाउट्स हैं सारे और जो स्ट्रेटजिक कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम, आप मेरे साथ मिलके कंटिन्यूसली उसको दूर कर सकें. इंस्टेड की इधर उधर से पूछें, स्पूरियस इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो, है ना. सो वी शुड, मैंने इसमें 20-22 लेक्चर इंक्लूड किए हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर अभी फॉर द बिगनिंग, और भी लेक्चर आगे बनते हैं, ऐड होंगे, विच डील विद वन आस्पेक्ट और द अदर ऑफ द प्रिपरेशन. And these lectures will be there on your dashboard also. ये course आपके लिए रहेगा, then you can listen them, go through them at any time again. ठीक है. तो when we talk of preparing for civil services, देखिए सबसे पहली जो question आपको answer करना है अपने आप से, वो है कि why civil services? Why civil services? क्यों आप मतलब तैयारी करना चाहते हो? Now why it is important to ask this question, answer this question to yourself? क्योंकि तैयारी शुरू करें, देखिए आप अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2-3 साल इसमें लगाओगे, तो द रीज़न ऑफ वाई यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज शुड बी एक्यूरेट, वो ठीक होना चाहिए, है ना. तो ये रीज़न जानना ज़रूरी क्यों है कि मैं क्यों तैयारी, वाई सिविल सर्विसेज का आंसर करना ज़रूरी क्यों है, राइट. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिविल सर्विसेज में होती है कि आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. You are motivated. You are always in a zeal to prepare. है ना? और when you will prepare with full motivation, when the reason is right, when it is very clear that what you are going to get after preparing for this exam, आपको क्या मिलेगा, आप क्या target कर रहे हो, क्या चाह रहे हो जिंदगी से, है ना. तो sustainable जो motivation है आपकी, वो right reason से आती है, राइट रीजन से आती है, कि आप ठीक रीजन चूज करें कि हाँ मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ. देर आर सो मेनी रीजन्स विच माइट बी कमिंग टू योर माइंड एट दिस मोमेंट, आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कई रीजन आ रहे होंगे कि है ना, वेरी गुड आफ्टरनून, कि क्यों मैं, वाई आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दीज सर्विसेज, है ना. जस्ट टू बिगन विद, मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा अपना अपना आंसर करो कि क्यों आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आप लिखो अपना अपना कि क्या मोटिवेशन है आपकी तैयारी करने में, फिर देखते हैं कि हमारे लेक्चर में वो आता है नहीं आता. देखिए दिस लेक्चर इज गोइंग टू चेंज द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. रिमेंबर, इतना छोटा सा लेक्चर है ये, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना डीप है कि आपका जो सिविल सर्विसेज की तरफ देखने का जो नजरिया है, दैट इज गोइंग टू चेंज, आप बिल्कुल बदल जाएगा, एंड यू विल बी फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी कि हाँ वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज, है ना. तो क्यों आप तैयारी कर रहे हो, वाई सिविल सर्विसेज, अपना फटाफट एक एक दो दो वर्ड में लिखो कि आप क्या चाहते हो सिविल सर्विसेज से, फटाफट, डोंट हेजिटेट, डोंट शाई, फील शाई, जस्ट राइट डाउन जो आपके ओरिजिनल मन में आता है, जो आपके मन में आता है लिखो आप. टू सर्व द नेशन एंड द पीपल, वेरी गुड. Definitely there is no, you are not preparing for civil service for one reason, है ना. You might have number of factors in your mind, number of reasons should be in your mind. Security, very good. बहुत सारे reason आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, power, status, money, फलाना ढिमाका, there are so many things, material benefits, comforts, we'll see. तो राइट रीजन इज मस्ट फॉर सस्टेनेबल मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप गलत रीजन की वजह से तैयारी करते हो, देन सम पर्सन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन मे डिस्टेबलाइज यू. सपोज एक बच्चा कहता है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, आगे डिटेल में करूँगा, कि भाई सिविल सर्विसेज
इज अटैच विद हाई पावर, अथॉरिटी बहुत है, है ना, बहुत अथॉरिटी है, जो आप कहते हो जाता है. अब सपोज यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू हैव मेड दिस रीजन एज द कॉज ऑफ योर प्रिपेरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, राइट. अब सपोज यू कम अक्रॉस अ पर्सन और अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु टेल्स यू नहीं नहीं यार कोई अथॉरिटी नहीं है, इट्स ऑल रूल बुक, वट एवर इज रिटन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. सो कहने की बात है अथॉरिटी है तो कोई अथॉरिटी नहीं है. एंड यू आर सडनली आप एकदम कहीं से गिरते हो कि अरे ये क्या हो गया, दिस पर्सन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ही इज टेलिंग मी दैट देर इज नो अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी इज नॉट देयर. एंड देन यू आर शेकन इमीडिएटली. आई हैव सीन नंबर ऑफ वट यू से स्टूडेंट्स हु बिकम अनस्टेबल एज दे नो डिफरेंट थिंग्स अबाउट सिविल सर्विसेज. तो हमें ठीक रीजन चूज करना है कि ये ठीक मोटिवेशन हमारी क्या होनी चाहिए. ठीक है, चलिए लेट्स चलते हैं, लेट्स सी फ्यू इमेजेस. मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ कि क्या ये इन चीज़ों से आप मोटिवेटेड हो. जैसे पहली इमेज बड़ी पॉपुलर हुई, व्हाट्सएप पे चल रही थी, फेसबुक पे भी चली बहुत, ये कि अपने मोदी साहब प्रधानमंत्री जी जब वो अपना पद भर रहे थे इलेक्शन का, तो ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर के सामने वो खड़े थे. एंड उसके नीचे बड़ा बड़ा कैप्शन इमेजेस पे आया, दिस इज वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, है ना. क्या ये रीजन है आपका, इज दिस द रीजन, इज दिस द रीजन. चलिए सेकेंड, अब सेकेंड इमेज यह है कि एक ये भी बड़ी पॉपुलर फोटो है कि वेन यू गेट अ चांस टू सिट अलॉन्ग विद द टॉप ब्रास कैबिनेट, व्हाट टू से, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड मिनिस्टर्स के साथ आप मिलते हो, है ना. एंड यू गेट अ चांस टू एंटर इनटू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो, यू शेक हैंड विद हिम, प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस यू एंड यू आर पार्ट ऑफ द इलीट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, है ना. आप एक इलीट ग्रुप हो सोसाइटी के, है ना. तो एक ये इमेज है बड़ी जो मोटिवेट करती है कि देखो यू बिकम सडनली यू बिकम सो इम्पॉर्टेंट. देन थर्ड इज ये रिया चक्रवर्ती की फोटो है कि बिफोर यू एवरीबडी इज सेम, चाहे कितना बड़ा फिल्म स्टार हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्वेंट इज बाउंड बाय लॉ एंड ही हैज़ अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो वो बेसिकली अपना सबके सबको मतलब कन्फर्म करना पड़ता है लॉ का. एंड यू नो वट एवर हैपनिंग इन मुंबई, द एनसीबी नेशनल, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सो दे आर एक्सेसिंग एवरी फिल्म स्टार, डिफरेंट फिल्म स्टार्स. तो वट बाय वट अथॉरिटी, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एंड ऑल दीज आर सिविल सर्वेंट्स. सो सिविल सर्वेंट्स आर कस्टोडियन ऑफ द various guidelines which are laid down by the constitution and they are authorized to implement it, and while implementing these guidelines they everybody is same before them, so they are very important in society. Fir aap dekhiye, you have very aapka name plate laga hai, aap office mein baithe hain, plaques hain, gandhi ji hain, jhande lage hain, for this you want to be, aap iske liye taiyari kar rahe hain. Now do these images motivate you? क्या ये images motivate करती हैं? Yes or no? Do these images motivate you? क्या ये images आपको motivate करती हैं? यस, बट फॉर फ्यू सेकेंड्स. नो सी, आपके दिमाग में तो ये इम्प्रिंटेड है. देखो अब बड़े बड़े फिल्म स्टार आपके सामने प्रोड्यूस हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो एंड दे आर फियरिंग फ्रॉम यू, है ना. कल को आप इनकम टैक्स में लग गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके सामने आ रहे हैं एंड दे आर सिटिंग बिफोर यू एंड दे आर लिसनिंग टू यू. तो ये चीज़ तो है ही, तो ऐसा तो नहीं है कि ये गलत हैं चीज़ें. But do these images motivate you? Definitely they should motivate you, है ना. They can motivate you, but
दिस अ डिफरेंस, क्या ये आपको मोटिवेट करती हैं? मैंने मोटिवेट पूछा है। अगर मैं पूछूं इज दिस व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, इज दिस अ रीजन? मोटिवेशन और रीजन में फर्क है ना। रीजन, ये रीजन नहीं है। दे कैन डेफिनेटली मोटिवेट यू बट इट इज नॉट द राइट रीजन बिकॉज ऑल दीज आर शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल, ये आप 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट फोटो खिंचाई, आप गए, काम खत्म। दैट इज नॉट रियल लाइफ। ये भी एक मोमेंट की बात है, वो भी 5 साल में एक बार आता है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स बिफोर वन सिंगल, आप कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठा होगा 5 साल में एक बार, वो भी एक ऑफिसर के आगे, वो भी हु हैपन्स टू बी दैट, है ना? तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? मोमेंटरी, ये भी है, कंडीशनल है, कभी हो गया। इट्स नॉट नॉर्मल सर्विस, ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये कभी कभी होते हैं लाइफ में इंसिडेंसेस, है ना? तो आइडिया इज कि ये चीज़ें आपको मोटिवेट कर सकती हैं कि हैस आई कैन गेट अ चांस टू बी लाइक दिस, आई विल गेट अ चांस टू मीट प्राइम मिनिस्टर, आई विल गेट अ चांस टू मीट प्रेजिडेंट, आई विल गेट अ चांस टू विजिट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना? बट दीज आर नॉट दी, दिस इज नॉट द रीजन वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। दिस कैन प्रोवाइड मोटिवेशन बट दे आर नॉट द रीजन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें कि हम वाई वी वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर, जनरली वट आर द कोट ऑफन कोटेड रीजन्स। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले तो अब आंसर करना अपने आप से कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूं। एक आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वाइल यू आर इन द इंटरव्यू, प्रिपरेशन के शुरू में और प्रिपरेशन के एंड में, ये दोनों ये क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। यूपीएससी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन बी द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कि मिस्टर दिस एंड दिस, जस्ट टेल अस व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। सोचिए पूरी तैयारी कर लिया आपने, प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, 2 साल तैयारी में लगा लिए, एंड देन समबडी इज आस्किंग यू कि व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, एंड देन यू आर शेकन देयर, क्यों मैं रीजन क्या दूं, आई शुड गिव दैट रीजन विच दे शुड लाइक इट, है ना? देखिए उस जब लास्ट, जब प्रिपरेशन का लास्ट होगा तब आप जो बोर्ड को आंसर दोगे वो आंसर दोगे जो उनको अच्छा लगता है, इजंट इट? जो उनको ठीक लगेगा वो आंसर आप अपने आप को नहीं दे रहे, आप उनको दे रहे हो। लेकिन जब आप आंसर ये बिगनिंग में अपने आप, जब आप फाइंड आउट कर रहे हो कि व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर नॉट आंसरिंग टू एनीबॉडी, यू आर आंसरिंग टू योरसेल्फ, है ना? ये फर्क है दोनों में। जब बिगनिंग में आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हो देन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू आर आंसरिंग टू योर सेल्फ कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूं। किसी को आप अकाउंटेबल नहीं हो आप, एंड दैट रीजन जो आप चूज करोगे दैट विल बिकम योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना? और ठीक अगर रीजन चूज कर लिया तो कभी मोटिवेशन डाउन नहीं होगी आपकी, सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? और जब इंटरव्यू में ये आंसर कर रहे हो तो आंसर हम बताएंगे आपको कि हाँ कैसे फॉर्मुलेट करना है, बिकॉज आंसर वो देना है जो उनको ठीक लगे। डेफिनेटली दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी बट द वे ऑफ आंसरिंग विल बी डिफरेंट। वहां आंसर आप ऐसा करोगे कि उनको वो लॉजिकल लगे, रैशनल लगे और ठीक लगे, रॉ नहीं आंसर करोगे। तो जब हम कहते हैं कि हम आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो देर आर 3 एक्सटर्नल रीजन्स जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, लाइक पावर। पावर मतलब, यहां पावर का मतलब है अथॉरिटी, है ना? अथॉरिटी का मतलब है अबिलिटी टू मेक डिसीजंस, कि आप डिसीजंस लेने लायक बनोगे, है ना? डिसीजंस, और जो डिसीजन आप लोगे वो इंप्लीमेंट भी होंगे। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप, तो यू फील अ सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ अथॉरिटी, है ना? आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हो। दिस इज वन रीजन समटाइम्स पीपल थिंक। देन स्टेटस, रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, पीपल रिकॉग्नाइज यू, लोग आपको पहचानते हैं कि देखो आईएएस जा रहा है, आईपीएस जा रहा है, आईआरएस जा रहा है ना? योर नेम पीपल नो, यू आर ट्रांसफर्ड, यू आर पोस्टेड समवेयर, इमीडिएटली अखबार में खबर आएगी कि फलाना फलाना थिंग हैज बीन पोस्टेड देयर, इसकी यहां ट्रांसफर होगी, यू फील पम्प्ड अप, इजंट इट? कि यू आर सो इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप करते हो, कोई पॉलिसी निकालते हो, कोई बात होती है आपके एरिया में, आपका नाम आएगा अखबार में, टीवी चैनल्स विल कम टू यू फॉर योर इंटरव्यू, यू विल बी सीन इन टेलीविजन। तो स्टेटस आपका सोसाइटी में बहुत ऊंचा होता है और आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? एंड थर्ड इज मनी। मनी हियर मींस मटेरियल कंफर्ट्स लाइक हाउस, है ना? हाउस एंड अदर फैसिलिटीज। अब सिविल सर्विसेज के अंदर आपको रेडीमेड घर मिल रहा है, इतना बड़ा आलिशान घर मिल रहा है, सरकार घर दे रही है आपको, गाड़ी दे रही है आपको, फोन दे रही है आपको, लैपटॉप दे रही है, एंड सो मेनी अदर फैसिलिटीज यू हैव, सो देयर इज नो डर्थ ऑफ
मटेरियल कंफर्ट्स है ना, अलॉन्ग विद सैलरी, अलॉन्ग विद अ डिसेंट सैलरी। आपको सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में बहुत सारे पर्क्स मिल रहे हैं, बहुत सारी आपको इंश्योरेंस मिल रही है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, आपका मेडिकल का खर्चा नहीं आता है ना, आपका बच्चों की स्कूल की फीस है वो गवर्नमेंट रिइंबर्स करती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको फोन का अलाउंस मिल रहा है, आपको लैपटॉप मिल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर गेटिंग एज अ सिविल सर्वेंट, सो देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल कंफर्ट। तो कहते हैं कि लोग कि पावर स्टेटस और मनी, मनी मतलब हेयर मटेरियल कंफर्ट्स, वो आपको सिविल सर्विस दे रही है, इस वजह से आप तैयारी कर रहे हो, डन। एंड सेकंड है इंटरनल, सॉरी, अब देखिए हम एक एक को एनालाइज करते हैं कि हम कहते हैं पावर, पावर क्या है? देखो पावर हम कहते हैं कि अथॉरिटी है, लेकिन पावर के साथ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर है आपके पास, लेकिन साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी समटाइम्स पीपल दे फील स्ट्रेस, कह रहे इतनी जिम्मेवारी है, इतनी जिम्मेवारी है। तो शुरू में तो पावर अथॉरिटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, एंड समटाइम्स सम पर्सन विल मीट यू, कहो यार नहीं और क्या अथॉरिटी है, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी जिम्मेवारी है, जरा सा गलत कुछ हो जाए तो सारा आपकी जिम्मेवारी आ जाती है। तो सम पर्सन कैन इजिली डिमोटिवेट यू, वो कहेगा नहीं ये पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है ये तो। एंड देन यू मे नॉट बी एट द सीट ऑफ पावर, आप ऐसी पोस्टिंग आपकी होगी जहां कोई अथॉरिटी नहीं है, आप बैठे हो बस, बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो सम ब्यूरोक्रेट कैन मीट यू, नहीं नहीं और किसको आपकी पावर है, ये सर्विस मुझे मिल गई इसमें तो कोई पावर नहीं है, अब पोस्टल सर्विस मिल गई, ऑर्डिनेंट अकाउंट्स मिल गया, इसमें क्या पावर है, ठीक है लिमिटेड सी पावर है। एंड देन कोई पर्सन में मीट यू, यू कैन रीड इन न्यूज़पेपर की पावर इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, कि धीरे धीरे जो ब्यूरोक्रेट की अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट कम करती जा रही है, ऐसा भी कुछ सुनने में आएगा आपको। अब जैसा इफ अ पर्सन इज हैज मेड द रीजन ऑफ पावर एज इज सोल क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू कैन बी इजिली डिमोटिवेटेड बाय एनीबडी विद इन सेकेंड्स, सो दिस इज नॉट द राइट रीजन, डोंट मेक इट एज अ रीजन, बिकॉज एनीबडी कैन डिस्टेबलाइज यू। देन कम टू स्टेटस, अब स्टेटस क्या है, अब स्टेटस आजकल नाउ द कंसेप्शन ऑफ स्टेटस इज चेंजिंग है ना, पहले लोग थे कि आईएएस है ठीक है, गाड़ी है उसके पास, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, गाड़ी चल रही जा रही है, पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज कि गाड़ी है, अब क्या है लाल बत्ती चली गई, अब गाड़ी को मैटर नहीं करती, देयर आर सो मेनी गुड व्हीकल्स। आजकल स्टेटस जो है कंज्यूमर कल्चर से ज्यादा डिफाइन होता है, अ पर्सन इज हैविंग अ फरारी है ना, तो वो भी एक डायमेंशन स्टेटस का पैदा हो गया, बंदा कहता नहीं सिर्फ आईएएस बन के स्टेटस नहीं मिल सकता आपको, देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, एंड यू कैन हैव पीपल विल रिकॉग्नाइज यू है ना। एंड द कंसेप्शन ऑफ स्टेटस इज फर्दर कमिंग डाउन, कि देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि काउंटर दे रहा हूं मैं, कि यू मे गेट सम पीपल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, स्टेटस सिविल सर्विसेज का है, लेकिन देर आर काउंटर आर्गूमेंट्स ऑल्सो, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे यार क्या स्टेटस करूंगा मैं, आप 5 साल हो गए सर्विस में, देखो मेरे पास तो ये सरकारी गाड़ी है, वो देखो बंदा मेरे साथ का था वो इस गाड़ी में घूम रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में गया, उसकी 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, वो देखो क्या बढ़िया मौज है उसकी, एंड ही इज गोइंग टू क्लब्स एंड ये वो, मे बी दिस थिंग कम्स टू योर माइंड। सो अगर आपने रीजन ये स्टेटस सोल बना लिया है तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको भी लोग खत्म कर सकते हैं। नाउ कम टू मनी, ठीक है ना, अब सैलरी जो है सिविल सर्विसेज की डेफिनेटली कंपैरेटिवली कम है ना, तो पीपल में से कि अरे तुम्हारे को तो यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ है ना, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, प्राइवेट सेक्टर में आई एम गेटिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, 5 टाइम्स सैलरी। एंड समबडी में से कि अरे यार पैसे ही कमाना है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में जाएंगे, सो दीज आर्गूमेंट्स कैन कम। एंड इफ यू डू दिस स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन तो कोई भी आपको डिस्टेबलाइज कर सकता है कि अरे यार क्या है सिविल सर्विस में क्या रखा है, कुछ मिलता तो है नहीं है, 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। लेकिन अगर रियल टर्म्स में निकाला जाए, अगर मैं आपको रियल टर्म की फिगर दूं तो स्टार्टिंग सैलरी 5-6 लाख रुपए हो जाती है सिविल सर्वेंट की, घर है, फोन फड़ा, ड्राइवर ये वो सबकी अगर आप वैल्यू लगा लो तो कहां पहुंच जाती है सैलरी। लेकिन फिर भी इन हैंड तो उतना ही आ रहा है कैश, इन हैंड तो उतना ही आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी राइट रीजन नहीं है। यू गेट अ कंफर्टेबल लाइफ बट दिस नॉट द राइट मोटिवेशन कि मेरी बहुत कंफर्टेबल होगी लाइफ, ठीक है एक रीजनेबल है, यू विल हैव अ डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड बट दिस कैन नॉट बी द सोल रीजन। नेक्स्ट, अब सेकंड सेक्टर फैक्टर है इंटरनल, जो आपके एक, ये तो तीनों चीजें एक्सटर्नल थी,
अब ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स देखिए, एक है आपको लगता है कि जब मैं आई एम प्रिपेयरिंग, इफ आई गेट सक्सेसफुल इट विल रेज माई सेल्फ एस्टीम, कि मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, मेरी अपनी नजरों में इज्जत बढ़ेगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना। सपोज आप आईएएस बन जाते हो तो सडनली आपकी अपने बारे में परसेप्शन बदल जाती है कि मैं भी कुछ हूं। अभी आप हो सकते हो समझते हो कि यार मैं क्या हूं यार, आई एम जस्ट नथिंग, बट वंस यू इंस्टेंटली बिकम्स यू द होल वर्ल्ड व्यू चेंजेस एंड इट्स नॉट कि हाउ अदर्स लुक यू। जो पहले तीन फैक्टर थे पावर स्टेटस मनी, वो क्या है हाउ अदर्स लुक यू, ये है कि ये जो तीन फैक्टर्स आगे आएंगे वो है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। सो सिविल सर्विसेज टोटली चेंज, आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज कर देती है कि आप एक सडनली इंपॉर्टेंट बन जाते हो, है ना। तो देखो सेल्फ एस्टीम तो आजकल आप स्टार्टअप चला लो, यू कैन बी सक्सेसफुल इन अ स्टार्टअप एंड देर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जिससे आप अपने अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हो। तो सोल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बट इट इज नॉट द सोल रीजन। अगेन द नेक्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, कि भाई मैं अपने पोटेंशियल को मीट कर पा रहा हूं, कि मैं ऐसी जॉब में हूं जहां पे मेरी अबिलिटीज, मेरी इंटेंशन, मेरी पोटेंशियल रियलाइज हो रहा है, आई एम एबल टू वर्क विथ फुल माई पोटेंशियल, है ना। क्योंकि सिविल सर्विसेज देखो आपको रिसोर्सेज देता है, आपके पास स्टेट पावर है, आपके पास फंड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब आप कुछ रिसोर्सेज होंगे तभी तो यार, मैं सपोज मैं कहता हूँ जी आई एम ए वेरी गुड बिजनेसमैन, कोई कहता है बंदा भाई, अगर उसका बिजनेस पोटेंशियल तो तभी पता लगेगा ना अगर उसके पास पैसा होगा, अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो पोटेंशियल कैसे पैदा हो पता लगेगा कि नहीं। तो सिविल सर्विसेज ऑफर्स यू लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड बाय द वे यू यूज योर रिसोर्सेज, वो उससे आपका पोटेंशियल आपका रियलाइज होता है। आप कहते हो जी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अगेन सम पर्सन में मीट यू ही में से, अरे यार कहाँ इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बहुत कम है, आप रूल से बाउंड होते हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो आप कुछ कर नहीं पाते एक्चुअल में। देखो हर तरह का इंसान मिलेंगे आपको ड्यूरिंग तैयारी, किसी के मम्मी पापा आईएएस में है वो रोना रोएगा, नहीं जी नहीं क्या है। तो इट्स नॉट दैट ऑल दिस पीपल दे आर विटनेस टू अ स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, बट दे एंड अप डीमोटिवेटिंग। आपको लॉजिकल लगेगा हाँ यार रूल्स तो हैं बड़े, बाउंड बाय रूल्स हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो क्या करने का मौका मिलेगा यार, सीट पे बैठो साल में ट्रांसफर हो जाएगी, दो साल में आप कुछ कर ही नहीं पाते। अब आप ऐसे बंदे से मिल गए और उसने आपको डीमोटिवेट कर दिया, होगा काम खत्म, वहीं आप अपने आप को क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे यार मैं ठीक कर रहा हूं, है ना। एंड लास्ट इज सेटिस्फैक्शन, जैसे आपने कहा यू सर्व द सोसाइटी, है ना, सर्व द नेशन, पुअर लोगों की हेल्प करो, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करो, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए आप कुछ कर पाओगे, डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, है ना। तो ये सिविल सर्विस आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है मन में, लेकिन अगेन फिर वो कह रही है आपको मौका कितना मिलता है। सी यू वाई सी इफ यू एंटर इन टू इनकम टैक्स, इफ यू एंटर इन टू कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, है ना, इफ यू एंटर इन टू रेलवे ट्रैफिक, तो आप क्या किसी की मदद करोगे, आप अपना काम कर रहे हो डिपार्टमेंटल। तो अगर किसी की ये इंटेंशन है कि मैं पुअर लोगों को मदद करूं, इलिटरेट वनरेबल सेक्शन की मदद करूं, तो वो तो भाई देखो ऐसा है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी सर्विस आपको मिलती है एंड विद इन सर्विस आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट द रीजन, सेटिस्फेक्शन तो आप किसी भी जॉब में ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन यू कैन डोनेट, यू कैन पार्टिसिपेट इन एनजीओ, यू कैन डू सम वॉलंटरी वर्क, तो कोई आपको मिल जाएगा चलता फिरता जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो कहेगा अरे यार क्या सिविल सर्विसेज में सेटिस्फेक्शन है, देखो हम एनजीओ चलाते हैं, देखो डायरेक्टली लोगों की मदद करते हैं, कितना सारा काम कर रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं हम। सो सम पर्सन में मीट यू एंड ही अगेन डिस्टेबलाइज यू, है ना। तो अल्टीमेटली ये रीजन भी ठीक नहीं है, अब आप तो हो गए टेंशन में आ गए, अब आप कि भाई ये तो सारे सर ने रीजन गायब कर दिए, ये सारे रीजन हैं और नहीं भी हैं, ये सारे रीजन ठीक हैं, आपको अथॉरिटी है, आपको स्टेटस भी है नो डाउट, आपको मटेरियल कंफर्ट भी है, सेल्फ एस्टीम भी है, पोटेंशियल भी आपका रियलाइज होगा, बट दीज आर नॉट द रीजन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। ये सब मिलेगा आपको लेकिन कंडीशनल है, जिंदगी में सब कुछ कई बार नहीं मिलता, लेकिन क्या ऐसी चीज है कि जो कंडीशनल नहीं है, जो आपको मिलनी ही मिलनी है। कुछ भी ये छह के छह फैक्टर चाहे किसी केस में गलत प्रूव हो जाए,
लेकिन फिर भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जिस जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई तुक्का लगा सकता है? मैं क्या बात करना चाह रहा हूं कि सिविल सर्विस में क्या मिलेगा आपको? थिंक थिंक, क्या मिलेगा सिविल सर्विसेज में आपको? एक चीज ऐसी है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, अगर उसने आपने उसको मोटिवेशन बना लिया तो आप पूरी तैयारी फुल एंथुजियाज्म से करोगे, फुल एंथुजियाज्म से करोगे आप, एंड नोबडी विल बी एबल टू डीमोटिवेट यू। देखिए, सबसे पहले सिविल सर्विसेज एक जॉब नहीं है, है ना, इट इज नॉट अ जॉब। इसको जॉब ना ट्रीट करें आप बिल्कुल भी, ये एक मिशन है लाइफ का, एक ऐसी, सी यू आर पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ दिस कंट्री हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। जॉब तो बहुत सारी हैं, कोई और कर लो, उसके लिए इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने आपको प्रूव किया कि स्टेटस ना भी हो, ठीक है स्टेटस है, लेकिन आपसे बेटर स्टेटस वाले हो सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो बिल्कुल कभी गलत हो ही नहीं सकती? एक फैक्टर है बस, आपने सिर्फ, मेरे स्टूडेंट जो है सिर्फ एक मोटिवेशन बनाएंगे जिंदगी में कि मैंने सिविल, बाकी सब तो आएगी चीजें, आनी जानी चीजें हैं, पावर, स्टेटस, मनी, सेल्फ एस्टीम, सब आनी जानी चीजें हैं, मिले ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगी आपको, एक चीज जरूर मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको। देखो, ओनली सिविल सर्विसेज ऐसी है जहां पे एक कन्वर्जेंस ऑफ बेनिफिट्स की पॉसिबिलिटी है, आपको पावर, स्टेटस, कंफर्ट, सेल्फ एस्टीम, सेटिस्फेक्शन, पोटेंशियल, ये छह की छह चीजें कन्वर्ज सिर्फ सिविल सर्विसेज में करती हैं। नहीं तो आप बिजनेस करोगे, भाई बिजनेस करोगे तो हो सकता है आपको स्टेटस मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, लेकिन पावर अथॉरिटी जीरो है आपकी, बिजनेस में पैसा बहुत कमा लिया लेकिन अथॉरिटी नहीं है आपके पास, मटेरियल कंफर्ट है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप पॉलिटिशियन बन गए, आपको पॉलिटिशियन बन गए, अब पॉलिटिशियन बन गए, भाई पॉलिटिशियन बनोगे आप, पहले वर्कर लगोगे, कहां बुढ़े हो गए आप, कहीं जाके आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, अदरवाइज थ्रू आउट लाइफ तो रगड़ते रहोगे आप। प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ आप, सैलरी आपको बहुत मिल रही है लेकिन क्या आपका स्टेटस है, क्या आपके पास कोई अथॉरिटी है? पैसा तो मिल रहा है, मटेरियल कंफर्ट, लेकिन अथॉरिटी कहाँ है? तो ये छह के छह चीजें जो कन्वर्ज करती हैं, जो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस है, वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में। लेकिन अगेन, मोर देन दैट, ये छह के छह चीजें आपको अपने स्टार्ट ऑफ लाइफ के अंदर मिलेंगी, मतलब एट द एज ऑफ 23, 24, 25, यू मे बी अवेलिंग ऑल दीज थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिविल सर्विसेज ऑफर यू द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ, ये आपने बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ है, यू विल बी एट सच अ पोजिशन एट सच अ स्मॉल एज, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग आईएएस बनके एडीसी होगी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, विद इन 4-5 years यू विल बिकम अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू, द होल एरिया इज अंडर यू, सोचो, है ना, आप पुलिस में आ गए, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी, है ना, एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आप एसपी बन गए या एसएसपी बन गए, सोचो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर है, इतनी एज में, 26-27 साल की एज में आप किस पोजीशन पे हो? कोई ऐसी प्राइवेट जॉब नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कहीं ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है कि जहां पे आप इतनी जल्दी लाइफ में ग्रो कर पाओ, एंड यू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क ड्यूरिंग द प्राइम ईयर्स ऑफ योर एज। लोग बिजनेस करते हैं, करते रहते हैं 20 साल, फिर जब 50 साल की उम्र में आते हैं तब वो कहते हैं हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन उस टाइम वो दे कांट एंजॉय इट। उसी तरह पॉलिटिशियन है, कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू आउट द लाइफ बट गेट्स अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पावर मशीनरी इन द टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, तो क्या एंजॉय किया लास्ट में जाके? लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या है, यू आर यंग एंड यू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स एट द इन द प्राइम ईयर्स ऑफ योर एज, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ। तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पावर ओनली, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेटस, कंफर्ट, ये इन चीजों के लिए नहीं आप कर रहे,
आप अपने लाइफ को बनाने के लिए कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ। बाकी आगे चीजें मिलती हैं नहीं मिलती, आप किसी सीट ऑफ पावर पे होते हो नहीं होते मैटर नहीं करता, आपको कौन सी जॉब करती है मैटर नहीं करता। आप ये समझिए कि आप 24 साल की उम्र में, 30 23 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में यू आर इनटू अ ग्रुप ए, ग्रुप ए सर्विस में बैठे हो आप, ऑल इंडिया सर्विस में बैठे हो आप। मतलब इनका मतलब ये होता है कि आप जो इन सर्विसेज में जाते हो तो यू विल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट अ चांस टू हेड दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो एट ऑल इंडिया लेवल। यू मे गेट अ चांस टू हेड द डिपार्टमेंट कि सपोज आप आईएएस बन गए तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, आप इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गए आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बन सकते हो, आप इनकम टैक्स में आ गए आप चेयरमैन सीबीडीटी बन सकते हो, है ना? ये पॉसिबिलिटी और ऑटोमेटिकली चलेगा, यू आर सर्विंग एंड स्लोली स्लोली यू आर गेटिंग प्रमोटेड एंड यू वन डे यू विल गेट अ चांस टू हेड द डिपार्टमेंट इफ यू एंटर इन टू दिस सर्विस एट राइट एज। तो ये बेसिकली एज फैक्टर जो है ना आपने हमेशा ध्यान रखना है, एंड ये जिंदगी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिपरेशन है। आप अगर सिविल सर्विसेज में घुस गए तो इट मे ट्रांसफॉर्म योर लाइफ राइट फ्रॉम द डे वन, द मोमेंट आप सिलेक्ट होते हो प्रेस आ गई, सर सर क्या आपका रैंक चाहे 100 आया 200 आया 300 आया 4 आया, देर आर हंड्रेड ऑफ पीपल टेकिंग रेडी फॉर योर इंटरव्यू एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग यू, हम आपको बुलाएंगे लो जी ट्रॉफी लो अपना सक्सेस मंत्रा शेयर करो, सडनली यू बिकम इंपॉर्टेंट। इतनी कम एज में एक पेपर क्लियर करके सिर्फ सिविल सर्विसेज ही है जो आपको यहां इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो सिर्फ आपने एक ही मोटिवेशन रखनी है कि आई एम इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर मी, नॉट पावर नो स्टेटस नो कंफर्ट नो एस्टीम नो सेटिस्फेक्शन नो पोटेंशियल ओनली द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ, इट्स माई इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग में हूं मैं, आम आदमी से इंस्टेंटली खास आदमी बन जाऊंगा। अगर किसी के मन में ये मोटिवेशन है ये आ गए तो वो कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होगा, समझ आई बात, है ना? एंड राइट रीजन राइट मोटिवेशन एंड राइट प्रिपरेशन दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इन टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। यह आपकी यात्रा है जो बिगन हो रही है, और यात्रा पॉजिटिव नोट से बिगन होनी चाहिए कि मेरे पास एक राइट रीजन है, और ज्यादा किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है राइट रीजन, ये है ना आपने अपने तक रखना है, अपने अंदर छुपा के रखना है, हमने किसी से शेयर नहीं करना, हमारे को अंदर ये इसे एनर्जी देनी चाहिए इस चीज की, इट शुड गिव अस एनर्जी फ्रॉम इनसाइड कि यस इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर मी, फ्रॉम अ कॉमन पर्सन आई विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन VIP एंड आई विल गेट अ चांस टू सर्व द सोसाइटी, आई मे गेट अ चांस टू हेल्प द पुअर द वल्नरेबल सेक्शन। जो मैं पढ़ रहा जो मैं सर पढ़ा रहे हैं वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, कर सकते हैं, आई मे लेकिन वॉट इज वो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो होनी ही होनी है, चाहे आपको पावर ना भी मिले स्टेटस ना भी मिले कंफर्ट ना भी मिले, लेकिन लाइफ तो आपकी ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी, आप एक कॉमन मैन से VIP तो बन ही गए, इससे ये चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो दिस शुड बी द मोटिवेशन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है? कुछ आया एनर्जी आई कमेंट में लिखो यस नो क्या, है ना? गिव योर कमेंट्स। तो हमेशा मन में ये रखना है कि यस, और जब भी डिमोटिवेटेड फील करो ये आप PPT खोल के देखनी है, या ये लेक्चर सुनना है आपको दोबारा, ये लेक्चर आपके पास हमेशा डैशबोर्ड पे रहेगा, है ना? तो आपने हमेशा ये लेक्चर सुन लेना जब भी आपको लगे कि यार मैं मेरे में मोटिवेशन की कमी हो रही है, या मेरे में यार एनर्जी कम लग रही है, या ये बंदे डिमोटिवेट कर दिया, या कल को कोई न्यूज़ आ गई कि सिविल सर्विसेज का ये, जैसे बड़ी जब लोगों को टेंशन हुई कि जब लाल बत्ती रेड लाइट विड्रॉ हो गई कि कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा, लोग बड़े मायूस हुए, ये रीज़न था ही नहीं प्रिपरेशन का भाई, मैंने कब कहा रीज़न है ये लाल बत्ती लगा दी एम्बेसडर है, ये रीज़न थोड़ी है। दिस मे मोटिवेट यू बट दिस आर नॉट द रीज़न, रीज़न इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, रीज़न इज बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ, रीज़न इज कन्वर्जेंस ऑफ बेनिफिट्स, रीज़न इज
यू आर एट द टॉप एट सच एज, ये रीजन है बत्ती, लाल बत्ती को रीजन नहीं है। अब जिन बत्तों ने लाल बत्ती को रीजन बनाया हुआ था कि इनमें मेरे को तो लाल बत्ती लगा नहीं है आपने, वो लाल बत्ती गायब होगी भाई, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो गया वो कि अरे मैं क्या करूं, मेरी तो लाल बत्ती गई, कल को और कोई बेनिफिट जा सकता है, चला जाए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको मिलेगी, जो लेटर आएगा ना कि यू आर हेयर प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू, दैट गिव्स अ किक, वो तो नहीं छीन सकता आपसे कोई। और इंस्टेंटली जो आप पोजीशन ऑक्यूपाई करोगे वो थोड़ी छीन सकता आपसे कोई, आप बिल्कुल एक कॉमन मैन से एक वीआईपी बन गए, वो कोई छीन सकता है आपसे क्या? कोई नहीं छीन सकता वो। यू हैव टू ड्रॉ प्लेजर फ्रॉम दैट। बाकी तो देखिए किस्मत है, चांस है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कौन सी पोजीशंस मिलती हैं, क्या करते हो लाइफ में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंडक्ट योर जॉब। सिविल सर्विसेज उस माने में जैसे बाकी जॉब्स हैं वैसे ही है, अगर आप अच्छा काम करोगे सीट पे बैठ के, पीपल विल अप्रिशिएट, आपको अच्छी पोस्टिंग, आपको रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग्स मिलेंगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब आप अपने देख लो, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है कौन है वो? सिविल सर्वेंट केजी अल्फोंस, ही वाज अ सिविल सर्वेंट। तो अगर अच्छा काम करोगे और अपने काम को सीखोगे और बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म करोगे ड्यूटीज को, यू विल गेट द रिवार्ड। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कंडक्ट करते हो अपनी सीट को। क्या आपने आपने सुना होगा, देखो कई कई लोग किसी अफसर के पीठ पीछे बात करते हैं समटाइम्स, ये तो इज अ वेरी गुड ऑफिसर, और ये बड़ा अपराइट है, बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा एफिशिएंट है, एंड देर यू मे कम अक्रॉस अ अबाउट एन ऑफिसर ऑल्सो कि यार ही इज वेरी करप्ट, ये ठीक नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे अपनी सीट को बनाते हो, कैसे अपनी जॉब को बनाते हो, है ना। वो बातें अलग हैं, लेकिन आप पहुंच तो गए वहां पे, सीट पे तो बैठे हो, आगे की बातें तो आगे हैं। तो सीट पे बैठने की मोटिवेशन ये है कि द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ, दिस इज द राइट रीजन एंड दिस विल गिव मी द राइट मोटिवेशन एंड दिस विल बी माई राइट प्रिपरेशन। ठीक है जी, सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। जो सेकेंड आपका मेंटरिंग लेक्चर है इन दिस सीरीज विल बी ऑन मंडे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, मोटिवेटेड हों, आपके कुछ फ्रेंड्स हों जो तैयारी कर रहे हों, है ना, रेफर टू देम कि भैया ये लेक्चर सुनो आप। आई वॉन्ट कि पूरी मोटिवेशन से बच्चे तैयारी करें, है ना। एंड दिस पूरा होल कोर्स इज फ्री फॉर एवरीबडी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, एंड यू कैन ईजिली यू डू दिस कोर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।